हेलो गाइस, आप देख रहे हैं ए टू जेड होम से डिजाइन है। यहाँ पे आपके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। आज मैं एक प्लान लेके आया हूँ 22x22 का। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, इसका साइज है 22x22। एक मेरे सर ने मुझे कमेंट किया था, मुझे नीचे दो दुकानें चाहिए और ऊपर मुझे चार रूम चाहिए और लेटरिन बाथरूम किचन। मैंने सब कुछ मैंने बनाया, चार रूम ऊपर दिए हैं और लेटरिन बाथरूम किचन दिए, नीचे दो दुकानें दी हुई, पूरा कंप्लीटेड बना हुआ है 22x22 में। तो बढ़ते हैं 3D डिजाइनिंग की। उससे पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूं आपको, अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, और आपको मुझसे कोई प्लान डिजाइन कराना हो तो कमेंट बॉक्स कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका प्लान जज कर दूंगा। तो बढ़ते हैं 3D डिजाइनिंग को। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पूरा 22x22 कंप्लीटेड बना हुआ है, देख सकते हैं आप, दो दुकानों के साथ पूरा कंप्लीटेड बना हुआ है मकान। टू रोड का मकान है, देख सकते हैं कॉर्नर का। तो सबसे पहले बात आती है मेन गेट की। मेन गेट मैंने यहाँ पे 2 उपलब्ध कराया, ये 3 फिट का उपलब्ध कराया यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने 6 फिट का दिया हुआ है। इस तरीके से देख सकते हैं, ये 6 फिट का गेट दिया हुआ है और ये 3 फिट का गेट दिया हुआ है। इस तरीके बगल में दो मैंने दुकानें दे दी हैं। मेरे सर ने बोला था दोनों दुकानें एक साइड देनी है, किसी भी साइड देना, चाहे इस साइड देना चाहे इस साइड देना, तो मैंने इस साइड दो दुकानें दे दी हैं। तो इन दुकानों का साइज मैंने दिया है 9x12 है। दुकानों का साइज है 9x12, इसका भी साइज है 9x12, इसका भी साइज है 9x12 है। देख सकते हैं आप, इस तरीके साइज है 9x12 दोनों दुकानों का। उसके बाद आपको 3 फीट इस साइड से गैलरी मिलेगी। इस तरीके से 3 फीट का गिल लगा है तो 3 फीट की आपको गैलरी मिलेगी। अगर आपके बाइक का गिल ले जाना चाहते हैं, अगर उधर से नहीं ले जाना तो इस जीने से ले जाते हैं, इसमें 6 फीट का गेट लगा हुआ। इस तरीके से जीने नीचे आप बाइक खड़ी कर रहेंगे, आप इधर इस तरीके से यहाँ पे बाइक खड़ी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेस यहाँ पे दिया है, देख पा रहे होंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे स्पेस मिल जाएगा 5 फीट का स्पेस मिल जाएगा आपको यहाँ पे। उसके बगल में आपको एक लैट्रिन बाथरूम कंबाइंड मिल जाएगी, जिसका साइज मैंने दिया है 4x6। ये देख सकते हैं आप, ये आपको लैट्रिन बाथरूम कंबाइंड मिल जाएगी जिसका साइज है 4x6। 3 फुट का ये गेट लगा हुआ है इसमें। उसके बाद लास्ट में आपको एक किचन मिल जाएगी, ये देख सकते हैं आप, लास्ट में आपको एक किचन मिल जाएगी जिसका साइज मैंने दिया है 9x6। इसका साइज दिया हुआ है, देख पा रहे हैं आप। यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाएगा इस तरीके से, बाइक आसानी से एक नहीं दो दो तीन तीन खड़ी कर सकते हैं आप। यहाँ पे आपको काफी स्पेस मिल जाएगा सब कुछ। उसके बाद आपको जीने से ऊपर आना है। ऊपर आने के बाद आपको कुछ इस तरीके से देखेगा, जीने से आप ऊपर आएंगे इस तरीके से, देख पा रहे होंगे आप पूरा जीना कम्प्लीटेड। जीने से आप ऊपर आएंगे तुरंत आपको जीना ऊपर जाने के लिए मिल जाएगा, छत पे जाने के लिए। और यहाँ पे आपको इस तरीके से 3 फीट की आपको गैलरी मिल जाएगी, देख पा रहे हैं। सामने ही आपको एक रूम मिल जाएगा बड़ा सा, इसका साइज दिया है, ये आपका रूम सबसे बड़ा है। एक सर ने मेरा बोला था एक मुझे रूम सबसे बड़ा चाहिए, तो मैंने उनके हिसाब से बना दिया ये। इसका साइज है 14x10, इसका साइज है रूम का 14x10। उसके बगल में आपको एक और रूम मिल जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसका साइज है 10x10, 10x10, इसका साइज है 10x10। ये 14x10 की खिड़की मैंने यहाँ से उपलब्ध कराई है इस तरीके से, और 10x10 की खिड़की मैंने रोड से उपलब्ध कराई है, देख पा रहे हैं आप। इस घर में आपको वेंटिलेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि चारों साइड से खिड़की लगी हुई है। उसके बाद आपको सामने दो रूम और दिख जाएंगे, देख सकते हैं आप। इस रूम का साइज दिया है 9x11, 9x11 इसका साइज है, 9x11 इसका साइज है इस रूम का, देख सकते हैं। इसमें खिड़की मैंने 2 पलब कराई, ये कॉर्नर का आपका कमरा है, यहाँ पे भी उपलब्ध कराई, इस तरीके से भी यहाँ पे भी उपलब्ध कराई आपको। उसके बगल में आपको एक और रूम दिख जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसका साइज दिया मैंने 9x12, इसका भी साइज है 9x12, इसका भी साइज दिया है 9x12। यहाँ पे आपको दो रूम मिल जाएंगे 9x12 के, और एक रूम मिल जाएगा 10x10 का, और एक रूम आपको बड़ा मिल जाएगा 14x10 का, देख सकते हैं। ये 3 फीट की आपकी गैलरी दी है मैंने, आप चारों रूमों में आसानी से जा सके, इस तरीके से देख पा रहे हैं आप।
जीने से ऊपर आने के बाद आपको पूरी छत कंप्लीटेड दिख जाएगी, देख सकते हैं आप। जीने मैंने ग्लास का यूज किया, बेहतरीन लुक लग रहा है यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ आज का प्लान आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आज का प्लान आपको पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना और कमेंट बॉक्स कमेंट करना आपको कैसा लगा। अगर आप भी मुझसे कोई प्लान डिजाइन कराना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स का भी जरूर कीजिए, मैं आपका और प्लान डिजाइन कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।